सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर में। साथियों, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि 1 अप्रैल से हमें शिक्षक डायरी का प्रयोग कैसे करना है, शिक्षक डायरी के किस पेज पर हमको क्या लिखना है और कैसे लिखना है, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। साथियों, सबसे पहले तो हमें ये जो एक पेज है शिक्षण योजना एक दृष्टि में, इसको भरना है। तो इसमें देख लेते हैं हम क्या क्या है इसमें। इसमें पहले माह लिखा हुआ है, फिर दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है सप्ताह, संख्या, विषय, चयनित पाठ, संख्या व नाम, कार्य करने हेतु, अनुमानित कालांशों की संख्या, शिक्षक के हस्ताक्षर और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर, ये कॉलम हैं यहाँ पर। तो अभी हम देखेंगे इनमें हमें क्या क्या भरना है, कैसे भरना है। सबसे पहले हम ये गणित की कार्य योजना देखते हैं। तो यहाँ पर दक्षता है संख्या ज्ञान 1 से 999 तक, और इसमें उपदक्षताएँ दे रखी हैं 999 तक की संख्या। इस पर हमें 6 दिन तक काम करना है। इसी तरीके से स्थानीय मान पर हमें 3 दिन काम करना है। 3 अंकों की 2 संख्याओं का जोड़ बिना पुनर्समूहन के, यानी कि बिना हासिल के, इस पर हमें 3 दिन काम करना है। 3 अंकों की 2 संख्याओं का जोड़ हासिल के साथ, इस पर हमें 4 दिन काम करना है। तो ये इस तरीके से पूरे महीने की कार्य योजना यहाँ पर दे रखी है। इसी कार्य योजना का प्रयोग करते हुए हमको शिक्षक डायरी में लिखना है। तो कैसे लिखना है ये हम अभी देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने एक उसी तरीके का फॉर्मेट बनाया है। माह में लिखा हमने अप्रैल, सप्ताह संख्या 1, पहले सप्ताह की बात कर रहे हैं। कक्षा में लिख दिया हमने 5, हम कक्षा 5 के लिए बात कर रहे हैं। विषय गणित। अभी हम यहाँ पर कोई पाठ नहीं पढ़ा रहे, हम दक्षताओं पर काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर दक्षता लिख देंगे। हम संख्या ज्ञान 1 से 999 तक की दक्षता पर कार्य कर रहे हैं। अब कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या। अभी हमने गणित की उसमें देखा था समृद्ध मॉड्यूल में कि हमें संख्या ज्ञान 1 से 999 तक पर 6 दिन काम करना है, और हर दिन गणित के 2 कालांश लगेंगे। तो 6 दिन में कितने हो गए, 12। तो हमने यहाँ पर 12 लिख दिया। उसी तरीके से हम हिंदी में देखेंगे। हिंदी में हमें वर्ड एवं मात्रा पर कार्य करना है। तो हिंदी के 2 कालांश होंगे। 1 कालांश हमें स्तर 1 के अनुसार कार्य करना है, और दूसरे कालांश में हमें स्तर 2 के अनुसार कार्य करना है। तो साथियों, इस पर एक मैं विस्तृत वीडियो बना चुका हूँ कि स्तर 1 और स्तर 2 को कैसे पढ़ाना है। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो को। अब दूसरा स्तर है कहानी एवं कविता पर कार्य। तो पहले सप्ताह में वर्ड एवं मात्रा पर हमें कितने दिन काम करना है, 6 दिन काम करना है। तो 1 कालांश है तो 6 कालांश हो गए। इसी तरीके से स्तर 2 के लिए हमें भी 6 कालांश लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि स्तर 2 का 1 कालांश लगेगा और स्तर 1 का 1 कालांश लगेगा। तो इसी तरीके से ये हिंदी के भी 12 कालांश यहाँ पर हो जाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरे सप्ताह में लिख देंगे संख्या ज्ञान 1 से 999 तक। इसमें 3 दिन और कार्य करना है, क्योंकि इस पर कुल हमें 9 दिन कार्य करना था। तो 6 कालांश इसके और हो गए, और जोड़ व घटाओ 3 अंकों के साथ अब बचे जो 3 दिन हैं वो इसके लिए हो जाएंगे। अब हम इस पेज को देखते हैं। यहाँ पर भी उसी तरीके से माह, सप्ताह संख्या, सप्ताह कब से कब तक है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर लिख लेनी है। तो जो हमने वहाँ पर कार्य योजना में लिखा है वो हमें यहाँ पर विस्तृत रूप में लिखना है कि हम पहले दिन क्या करा रहे हैं, दूसरे दिन हम क्या क्या करा रहे हैं। तो अभी हम देख लेते हैं इस पेज को हमें कैसे भरना है। साथियों, सबसे पहले तो इस पेज में हम आकलन का प्रकार और आकलन का टूल्स लिख लेंगे। ये हमें 25 मार्च से पहले लिखने थे, एक आदेश आया था महानिदेशक महोदय का। और यहाँ पर आप दिनांक भी लिख सकते हैं, 25 से पहले का कोई भी दिनांक आप लिख दें, जिस दिन छुट्टी ना हो उस तरीके से आप यहाँ पर 24 मार्च, 23 मार्च, 22 मार्च लिख सकते हैं यहाँ पर। और आप आकलन का प्रकार लिख देंगे बेसलाइन आकलन, और आकलन टूल्स आप लिख देंगे समृद्ध मॉड्यूल से स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। इसी तरीके से कक्षा 4 में समृद्ध मॉड्यूल से स्तर 1, स्तर 2, आप इस तरीके से अपनी कक्षाओं के अनुसार यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि शिक्षक डायरी इंडिविजुअल भरनी है।
तो आप इन चीज़ों को यहाँ पर लिख देंगे। उसी तरीके से आप हिंदी में आकलन का प्रकार बेसलाइन आकलन और आकलन टूल्स समृद्ध मॉड्यूल से पाठ कर दें। ये आपको ज़रूर लिख लेना है क्योंकि इसका एक आदेश आ चुका है कि हमें 25 मार्च से पहले आकलन का प्रकार और आकलन टूल्स शिक्षक डायरी में भी लिख लेने हैं। तो आप इस तरीके से लिख लेंगे शिक्षक डायरी में। उसके बाद हम देखते हैं, अब ये देखिए, माह अप्रैल, सप्ताह एक, दिनांक 1/4/2021 से 6/4/2021 तक। अब यहाँ पर कक्षा 5 लिख दिया मैंने, विषय हिंदी, लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिन पर कार्य करना है। तो अभी हम दक्षताओं पर कार्य कर रहे हैं। दक्षता है वर्ड एवं मात्रा पहचान पर कार्य, वो लिख दिया हमने यहाँ पर। तो अब हमें यहाँ पर कौन कौन से वर्ड पर कार्य करना है, क पर कार्य करना है, म पर कार्य करना है, ल पर कार्य करना है, र और ह पर हमें कार्य करना है और आ की मात्रा पर कार्य करना है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अनुमानित कालांश पहले सप्ताह में कितने हैं, 6 हैं इसके लिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि बोर्ड पर 4-5 बार इन वर्णों को लिखकर बच्चों को दोहराने के लिए कहा। आप ये यहाँ पर ग्रिड बना देंगे, एक बार वर्ड फिर उसके बाद मात्रा के साथ आप लिख लेंगे, एक बार मात्रा के साथ दोहराएंगे, एक बार बिना मात्रा के साथ दोहराएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर शिक्षक डायरी में भी इसको लिख देंगे। ग्रिड में बच्चों के साथ मात्रा लगाकर उच्चारण कराए, बच्चों को ब्लेंडिंग पर कार्य कराया। तो ब्लेंडिंग क्या होती है, एक बॉक्स में क लिख दिया, एक बॉक्स में ल लिख दिया, फिर इसको एक साथ लिख दिया दोनों वर्ड को, तो ये शब्द बन गया क प्लस ल, तो ये हो गया कल। इसी तरीके से ब्लेंडिंग पर कार्य कराया बच्चों को, ये लिख देंगे आप। यहाँ पर आपको गृह कार्य के बारे में भी लिखना है कि आपने बच्चों को क्या गृह कार्य दिया। तो मैंने यह गृह कार्य दिया, ये ग्रेड बना दिया और इस ग्रेड में इन 5 वर्डों से जो शब्द बनेंगे वो शब्द बच्चों को बनाकर अपनी नोटबुक में लिखकर लाने हैं। तो आप इस तरीके से शिक्षक डायरी के अप्रैल के पहले दिन का आप इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। अब हिंदी का दूसरा कालांश है, इसमें जो दक्षता है डिकोडिंग ऑब्लिक पठन कार्ड। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सहज 2 से 8-9 बरसात का मौसम, पूरे हाव-भाव के साथ बच्चों को पढ़ाया, ये लिख देंगे। बरसात के मौसम के अनुभव के बारे में बच्चों से बात की, जैसे कि बरसात के मौसम में आपको कैसा लगता है, आपका क्या क्या खाने का मन करता है, आपको बरसात में नहाना कैसा लगता है, और साथ ही साथ बच्चों को निर्देश दिए कि इन प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में भी लिखने हैं। बच्चों को गृह कार्य दे दिया, बरसात के मौसम के बाद कौन सी फसल लगाई जाती है, तो इससे क्या होगा कि समुदाय की भी सहभागिता बढ़ेगी, बच्चे अपने माता पिता के सहयोग से इस प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी में लिखकर लाएंगे, अपनी नोटबुक में लिखकर लाएंगे। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।